मुझसे खुद को कंपेयर करने का सोचना भी मत, खासकर तुम। मैं तुम सबसे बहुत आगे हूँ। कौन है? मदद के लिए मांगने के लिए शुक्रिया, हम आप पर भरोसा करते हैं। पिज्जा किसे चाहिए? ओह वाह, पिज्जा! क्या मैं एक स्लाइस ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, सब लोग ले लो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे यकीन नहीं होता, क्या उसे कोई डर नहीं है? उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये लो। मिस, बीच में मत बोलो। ठीक है। चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया। ओह, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए। सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? भागना अलाउड नहीं है। क्या तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हो? नहीं मिस एलिजाबेथ, बहुत देर हो चुकी है। मुझे भागना चाहिए। मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? वो ये कैसे कर रही है? मैंने तुम्हें कहा था ना, भागना मना है। मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूँगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इनसे बच सकूँ। प्लीज लाइक मत करना। नहीं, और उसने उसे उठा लिया एकदम ऐसे। ओ हेलो, लगता है ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। छोटी सी एक्सरसाइज कैसी रहेगी? काश सब लेक्चर्स ऐसे होते। आज स्कूल में चलो फैलाएं थोड़ी काइंडनेस। मैं हूँ मिसेस एनजी और मैं लाई हूँ ब्राइटनेस। मैं सबको दूंगी ए, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं गले लगूंगी सब बच्चों को, कोई बात नहीं। मैं करूंगी टेस्ट और कंट्रोल को बैन। हम बोर्ड पेंट करेंगे और घर जाएंगे। चलो, ये क्या है? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम मेरी पकड़ में आ गई। मुझे यहाँ चेंसों की जगह म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है? बच्चों, क्या तुम अब ठीक हो? बोर्ड पर आओ, चलो किस्मत पर छोड़ते हैं। कौन पहला है? मेरे पास मत आना। प्लीज मिस कर दो। वो बहुत गुस्से में है। क्या तुम सब डर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ बस रुक जाओ। बच्चों, क्या तुमने लिली को देखा? माफ करना, आउच, मुझे लग गया। क्या तुम बोर्ड पर आना चाहते हो? नहीं, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। जवाब दो, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, अब दो। क्या बिल्कुल? मैं तुमसे बोर्ड साफ करूंगी। मैं समझ गया। तीन? मुझे नहीं आता। क्या तुमने काउंट करने की कोशिश भी की है या तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है? जवाब दो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे बुलवा लूंगी। प्लीज वो नहीं। ये देखो, और ये हगी का वांटेड पोस्टर किस लिए है? ये क्या है? मैं उसे छिपा रहा था। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है, मुझे फंसाया गया है। ये स्टोरी तुम्हें जेल में बतानी होगी। बहुत हुआ, अब तुम्हें जवाब देना होगा। क्या ये 14 है? मुझे इससे बड़ा नंबर नहीं पता। मैंने कर दिखाया और तुम्हें मिलेगा F। निकलो यहाँ से बेशरम। मजा आया। क्या तुम सब देख रहे हो? मैं समझाती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं चाहती हूँ सब एक ड्राइंग बनाएं और ये रही तुम लोगों के लिए एल्बम्स। दिल खोल कर बनाओ। मैं बनूंगा सबसे अच्छा आर्टिस्ट। वाह, बहुत सुंदर है, तुमने भी अच्छा बनाया। शाबाश, यहाँ से निकल जाओ। और क्या बकवास है, तुमने पेपर खराब कर दिया। मैंने दिल से कोशिश की है, ये बेहुदा है। और ये क्या है? ओह मत देखें। ये क्या है डेस्क पर? क्या तुम्हें पता भी है मैं क्या करने वाली हूँ? इसे जल्दी से साफ करो। अभी तो शुक्र मनाओ, तुम्हारे चेहरे से साफ नहीं कर रही। मुझे माफ करना मिस एलिजाबेथ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। टेबल से पैर हटाओ, तुम्हें ये मिलेगा। कितनी न्यूड शेड है। क्या तुम्हें मेकअप करने की इजाजत किसने दी? मैं ये साफ कर देती हूँ। स्कूल कोई ब्यूटी सलून नहीं है। रुको, क्या पाउडर? इसे अपने चेहरे से अभी हटाओ, अभी के अभी। ओह, मेरा मेकअप। क्या ये यहाँ किसने लगाया? ओप्स। अरे अरे, ये क्या है? पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। लड़ो मत बच्चों, ये क्या चल रहा है? बंद करो। क्या हुआ है? दोस्ती करो, अब ठीक है। काइंडनेस, फाइट शुरू करो। हॉलवे के चैंपियन के लिए बैटल हो रही है। हारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो स्टेफन, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ो। जरा बच कर, मिस मत करना। चलो स्टेफन, तुम ये कर सकते हो। क्या तुमने एनेस्थेशिया को देखा? नहीं, लगे रहो। लेट्स सी, तुम छिप नहीं सकते, तुम नहीं बचोगे। स्टेफन पर लगा दो।
और तुम भी स्टेफन, बहुत खूब। कौन कौन रॉस पर बेट लगा रहा है? वैसे यहाँ दो प्लीज, बहुत खूब। इसे खत्म करने का समय आ गया है। सही कहा। क्या, तो कौन जीता? कोई नहीं। हे, हमें हमारा पैसा वापस करो। ओह, तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, बेवकूफ। मेरे पास एक खास चीज है, बहुत कीमती। हफ्ते के हर दिन के लिए एक है और वीकेंड के लिए स्पेशल वाला। हाँ, आउटफिट बदलते हैं। मुझे बहुत प्यारा है। तुमने मुझे अच्छे से मारा। हाँ, तुमने भी। वो हंस रही है क्या? कुछ फनी हुआ है? हमें इविल स्पिरिट से अपने आप को बचाना होगा। इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। आप फनी लग रहे हो। चलो मेरे दर्द की ऑर्केस्ट्रा। माफ करना, वो हमसे जबरदस्ती करवा रही है। बहुत बढ़िया। फिर से? कौन बता सकता है ब्रॉन्ज एज से कौन सा एरा आया? काली इतनी सुंदर है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? शायद उसे प्यार हो गया हो। ये बालों के लिए है। ओह, इसलिए वो पक्का मुझ पर ध्यान देगी। वो स्मेल कैसी है? मुझे लगता है अब बेहतर है। काली? ओह, मेरे लिए? शुक्रिया। ये खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसे एक किस मिलनी चाहिए। कितने स्वीट हो तुम, इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैं मदद करती हूँ। ऐसे? ये तुम्हारे लिए है, मेरे लव बर्ड्स। बच्चों, माहौल बनाने में मदद करो। हम लैंटर्न्स बनाते हैं। अब लाइट्स को कम करते हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हर जगह प्यार और फूल ही फूल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। यहाँ मेरे बिना क्या हो रहा है? अलग हो जाओ जल्दी। ओह, तुम मुझे कितना परेशान करते हो। मेरा खून खौल रहा है। माफ करना, टेस्ट टाइम। क्या मुसीबत है। चलो शुरू करते हैं। और चीटिंग करने का सोचना भी मत, मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्या उसके पास चीट शीट है? परफेक्ट टाइमिंग। हाँ, ये क्या है? तुमने मुझे हंसा दिया। अरे, ये मजाक नहीं है। हाँ, उस रोमांटिक को देखो, दुल्हन और दूल्हा। साथ में प्यार की कोई जगह नहीं है। ओह, यही मौका है। पकड़ लिया। तुम चीट शीट छिपा रही थी। देखो कितनी लंबी है। क्या तुमने पूरी बुक छिपा रखी है? ये खत्म कब होगी? प्लीज मत करो। बस आखिरी फॉर्मूला। और मेरा पेशेंस भी खत्म हुआ। मैं अपनी क्लास में इसे सहन नहीं करूँगा। सब कुछ ठीक है। ये क्या है? चीट शीट तो बिल्कुल नहीं है। रॉस, ये क्या कर रहे हो? ये सही जवाब है, तुम लिख सकते हो। शुक्रिया मिस एंड्री, उनकी मदद करने की कोशिश भी मत करना। कोई चीटिंग नहीं होगी। मुझे दिखाओ चीट शीट कहाँ है। कितना दिलचस्प मैनिक्योर है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैनिक्योर बैन है। अगली बार मैं तुम्हारी उंगलियां काट लूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टेस्ट पर ध्यान दो। लेकिन मुझे जवाब नहीं पता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या सबको समझ में आया? क्या तुमने देखा, मिस एंजी ने हमें बचा लिया। वो अचानक इतनी एक्साइटेड क्यों है? एंजी, तुम हिम्मत भी मत करना। टाइम खत्म। पेन नीचे। ये लो, ताकि तुम आराम से बैठ पाओ। हमें स्टूडेंट्स की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। ओह, बहुत खूब, ए प्लस मिलेगा। और तुम्हारा भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इससे खुश होंगे। स्ट्रेच करते हैं। अब देखना आलसियों, तुम सभी को एफ मिलेगा। ये लो, हर एक को। ये शोर कैसा है? काफी नहीं है। वाह, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सभी को एफ मिलेगा। वो सब कुछ तबाह कर देगी। हो गया। कार्ली, तुम करो। ओह नहीं, मुझे मत कराओ। माफ करना दोस्तों, तुम नीचे क्यों लेटी हो? चलो, माफी चाहती हूँ। काली, यहाँ आओ। क्या मुसीबत है? हमें जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा। मैं मजबूर थी मिस एंड्री, अब तुम मार सकती हो। क्या बात है, सभी को ए मिलेंगे। तुम बहुत स्मार्ट हो। बहुत बढ़िया, सबको मिल रहा है। यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे टेस्ट, लो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये लो बेवकूफ, ये तुम्हारा है।
और ये तुम्हारा है, लो खाओ। अरे वाह वाह, मुझे ये मिला और मुझे वाह मुझे भी ये मिला, वाह मुझे भी ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये एस कहाँ से आए। क्या काली, सच बोलो, क्या ये तुम्हारी करतूत थी? सब कुछ बताओ, ये क्या है, कितनी कमजोर है, बेशर्म। तुम्हें ये कैसा लगा? नर्ड, मत करो प्लीज, लूजर। ठीक है, ओह हम बस खेल रहे थे, हम दोस्त है ना, सब ठीक है। मेरे सामने नाटक कर रहे हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कैसे किया जाता है। मेरे रास्ते से हटो और तुम इधर आओ, लूजर। तुम्हारा चेहरा कितना अजीब है, इस पर बास्केट ही सही है। तो मिस एलिजाबेथ, आप भी एक बुली है, तुम्हारी जगह लॉकर में है, बिना बकेट के अंदर जाओ जल्दी। और तुम किसी काम के नहीं हो, मैं हूँ यहाँ की मेन बुली, समझे? और तुम लोग भी बोर ना होना, ये तुम्हारे लिए है स्टेफन, हम समझ गए। वो बहुत बुरी है, बब 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 बब, क्या हम उन पर प्रैंक करें? हाँ चलो करते हैं, वो ये कभी नहीं भूलेंगी, बदला तो जरूर लिया जाएगा। तुम लोग लेसन के लिए तैयार हो? ओह नहीं, मिस एलिजाबेथ कहाँ है? आज मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। ओह ये कांटे हैं, ये किसने किया? कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। ये किसने किया? मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो तुम उन्हें डांटोगी? बच्चे तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। सॉफ्टी, हाँ वो अब बैठेगी। ओह आरामदायक है, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मास्टर ने मुझे बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए तैयार किया है, मैं आग और पानी सब कुछ सह चुकी हूँ, मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दिया और मुश्किल बनाते हैं। मैं तैयार हूँ, सुई का दर्द भी सही है। ये क्या है, एक डार्ट? देखा, आप पकड़ी जा चुकी हो, अब आपको हमारे हिसाब से चलना होगा, अब हम जो चाहे करेंगे। आ, तुम लोग भी ना, ओ, मुझे छोड़ दो, अब और एप्स नहीं मिलेंगे। हाँ, हमने आपको हरा दिया। हाँ, अब सबको ये मिलेंगे। बस ये सहन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम रुको, अपने आप को बचाओ, ये तुम्हारे लिए, वो हमें मार डालेगी। वो कहाँ जा रही है? ओह शायद एनेस्थेशिया वहाँ है। तो तुम यहाँ पर हो? ओह यहाँ पर तो खतरनाक लेजर है, मुझे इनसे बचना होगा, मुझे ध्यान से जाना होगा, लगता है ये आखिरी है। हे, इस लेजर शो को बंद करो, मैं तुम्हें असली परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। एलियो, मैं आ रही हूँ, इतनी जल्दी नहीं, मुझे छोड़ दो अभी। माफ करना मैरी, मैं इसका कितने सालों से इंतजार कर रहा था, मैं परफेक्ट कैंडिडेट को ढूंढ रहा था। चलो शुरू करते हैं। मैरी, पीछे हटो, मेरे पास मत आना। वाह तुम स्ट्रांग हो, मैं बस वार्म अप कर रही हूँ, भागो यहाँ से, मैं इसे सबक सिखाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुको। हाय, मैं मैरी वैन हेलसिंग हूँ और मुझे वैम्पायर से नफरत है, और ये मेरी फ्रेंड एनेस्थेसिया है, और क्योंकि ये लड़कों को पहचानने में गलती कर देती है जिससे हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। चलो जारी रखते हैं, अपने नए टीचर से मिलो, मुझे मिस्टर डेमन बुलाना। वाह क्या तुमने उसे देखा, ये बहुत सुंदर है। हे ये सब बंद करो। हाँ ये मुझे अजीब लग रहा है, रेड आईज, वो साइबर एथलीट तो नहीं लगता, मुझे इसे स्कैन करना होगा, वैम्पायर रेडार कुछ नहीं दिखा रहा। तुम ये क्लास के बाद ले सकती हो, इसे जब्त कर लेते हैं। ये मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। गुड लक डेमन। शुक्रिया सर, चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम डेमन वैम्पायर है। पहला टास्क, इस फॉर्मूले में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कौन जवाब देगा? लगता है मुझे पता है, शुक्रिया। डी प्लस एम इक्वल्स लव, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत, मुझे दो, बीच में बताओ, शायद एम की जगह ए आएगा, कितना सिंपल था। मेरे फॉर्मूले के साथ छेड़खानी मत करो, उसके सपने देखना बंद कर दो। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्लास के बाद भी यहीं रुकना, अपनी सीट पर वापस जाओ, एक दिन मैं उससे शादी करूंगी।
तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? वो मेरा होगा। सपने देखती रहो, मुझे दो। लगता है तुम दोनों लड़ना बंद नहीं करोगी। जल्दी से क्लास में जाओ, लगता है ये वेडिंग पोस्टपोन हो गई है। उन दोनों पर नजर रखना, मैं उनकी अच्छे से निगरानी करूंगा। बोर्ड को साफ करो। ठीक है, लगता है हम यहाँ पर फंस गए हैं। एक मिनट रुको, मेरा पाउडर, वो अभी भी डेस्क पर है। तुम क्या देख रही हो? सजा आधे घंटे बाद खत्म होगी, जल्दी करो। समझ गई, मुझे एक प्लान बनाना होगा। शायद मुझे उसे बाट से मारना चाहिए। नहीं, मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओह, कितना सोता है। और उन्हें वेपन्स किसने दिए? खैर, और ये रहा मेरा पाउडर। रुको, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्लड? लगता है मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। आउच! वैम्पायर? बिल्कुल नहीं, हमारा टीचर एक वैम्पायर नहीं हो सकता। एनेस्थेसिया, ये बात बहुत सीरियस है। वो कहाँ चली गई? क्या आपने देखा कि वो कहाँ भाग गई? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फिर हम बाहर आ गए। सुनो, हम खतरे में हैं। मैं कुछ समझी नहीं। डेमन एक वैम्पायर है। एक वैम्पायर? कितना बढ़िया है। नहीं, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। उनके बड़े फैंग्स होते हैं। हाँ, पेल स्किन। हाँ, और रेड आईज होती हैं। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस हो गया। और वो ब्लड पीते हैं। एनेस्थेसिया, टिप के लिए शुक्रिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? वो हमारे दुश्मन है। इसे मिटाओ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, मुझे ये पसंद आई। तो तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा, डेमन का। तुम समझ गए, तुम कितनी बहादुर हो। दरअसल ये टॉप सीक्रेट है। खैर खैर खैर, क्रोम फूड, खुल जाओ। बेहतरीन, लगता है हाइड आउट कामयाब रहा। और इंटरनल यूथ का सीक्रेट भी, यूथ के पोर्टल्स। जल्दी तुम मेरे हो गए। चलो ट्राई करते हैं। रिसीवर की पावर के लिए रेड और डोनर के लिए ग्रीन। क्या बात है, अब छोटा सा टेस्ट करते हैं। ग्रेप से शुरू करते हैं। मुझे अभी से इतना मजा आ रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं। रेडार क्लियर है, हमें ब्लड चाहिए। पहले मैं उसे खिलाऊंगी, फिर उसे स्टिक से मार दूंगी। ये सेंट की स्मेल कहाँ से आ रही है? मैं इस बार कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। थक गई, मैं इसे साफ करती हूँ। कितना गंदा है। ओह, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे जाने दो, अपने फैंग्स दिखाओ। तुम वैम्पायर नहीं लग रहे हो, क्या ये सच है? और ढूंढना होगा। ठीक है, तुम जा सकती हो। एनेस्थीसिया कहाँ पर है? हे, तुम इतनी ब्लॉनिंग क्यों कर रही हो? क्या तुम फ्लोर पर गिर गई थी? लूजर। हे, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर दूंगी। क्लॉक को देखो, इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। ओह, ये काम कर गया। हाँ, यकीन नहीं होता। आह, क्या किस्मत है। तुम अच्छे से सीख रही हो यंग लेडी। वो कहाँ चली गई? वहाँ पर है। तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो फिर ठीक है, क्या चुने? आह, मुझे इसकी ही जरूरत थी। क्या हम खेलें? मैं सारे कॉम्बोस को भूल ही गई, पर मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। बहुत खूब, मैं तुम्हें एक बढ़िया सीक्रेट बताता हूँ। कितना मिस्टीरियस है। अब पहले कौन जवाब देगा? तुम देना चाहोगी? मैं? ठीक है, इसे सॉल्व करो। वहाँ खड़ी हो जाओ, शुरू करो। ये इक्वल है। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, पर जल्दी ही मुझे अच्छा लगेगा। ये रिंकल्स कहाँ से आए? अब कौन आएगा? प्लीज, मैं नहीं। बहुत हुआ। ओह, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और ये यहाँ पर है। मैरी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। बोर्ड पर आओ, प्लेटफॉर्म पर मत खड़ी होना। हाँ, इसमें क्या खराबी है? प्लीज मिस मैरी, मैंने तुम्हें कहा था वहाँ खड़ी मत होना। उसे खड़ी रहने दो। तुम दोनों रुक जाओ। किसका कॉल आया है? मुझे दो। ये रहा बैकअप। डीमन, इस बार वो नहीं भाग पाएगा। वैम्पायर्स के लिए फ्री फोटो। मैं वैम्पायर नहीं हूँ, क्या करें? हाँ, मैं बन सकती हूँ। ब्लड की कुछ ड्रॉप से बात बन जाएगी। शुक्रिया केचप। चलो करते हैं। रुको, मैं बस मजाक कर रही थी। प्लीज नहीं, वो मुझे मार ही देती। वो वैम्पायर नहीं थी। ओह, पर ये नहीं फोटोज। बढ़िया।
डीमन तो अब गया, तैयार हो जाओ। ओ नहीं मेरी जान, उम्मीद है मेरी मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी, और ये एक अच्छा वेपन है, गार्लिक एरोस। बेचारा डीमन, वो बच नहीं पाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरा बेचारा डीमन, मैं तुम्हारी फैंग्स निकाल लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? ओह, बदला लेने का वक्त आ गया है। एनेस्थीसिया कहाँ पर है? हेलो, ओह, कितनी अजीब जगह है। ये क्या है? कितना पुराना है। ये लाजवाब है, यहाँ सिर्फ डीमन है और मैं नहीं, ये सही नहीं है। अब बेहतर है। सुंदर, वाह कितनी सुंदर ज्वेलरी है। ओह स्लिपरी, क्या ये रिंग मेरे लिए है? कितना बड़ा जेम है और ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हें मेरे हाइड आउट का पता चल गया है। क्या ये तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा, ये परफेक्ट विक्टिम रहेगी। तुम वैम्पायर्स की क्वीन बनना चाहती हो, फिर इसे पहनो। कितना अजीब है, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब दोबारा, और वो कहाँ पर गई है? हे सबको क्या हो गया है? क्या ये सब वैम्पायर्स बन गए हैं? कुछ भी, पर ये नहीं हो सकता, तुम भाग नहीं सकती हो। फिर यहाँ पर कोई नहीं है, ये उन्हें रोकेगा, पर ज्यादा देर तक नहीं। हाँ मुझे डैड को कॉल करना होगा। डैडी मदद करो, पूरा स्कूल इन्फेक्टेड हो चुका है। ये क्या है? ये जरूर इंटरनल यूथ रिचुअल से रिलेटेड होगा, एनेस्थीसिया ने इसके बारे में बताया था। ओ नहीं खोलो, दरअसल मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। ये तो बस एक जैनिटर है, मुझे बाकियों से निपटना होगा। चलो एक एक करके सबक सिखाते हैं। उम्मीद है तुम्हें गार्लिक पसंद आएगी। पहले कौन मरना चाहेगा? हाँ अपनी जान बचाओ, ये पागल हो चुके हैं। ब्लड और अंधेरा, ब्लड और अंधेरा, मुझे भूख लग रही है। हेलो रूम फूड डिलीवरी, मैं इंतजार करूंगी। आपका ऑर्डर आ चुका है, खाने के मजे लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं खाना खाऊंगी, और मैं भी। मैम ये मेन्यू में नहीं था। क्या बचाओ सुशी, ये सब मैं खाऊंगी। ओह मेरे पास एक आइडिया है, मैं वॉलरस हूँ। शुरू मत हो जाना, सीरियस इवेंट होने वाला है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। मास्टर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। ये मैरी, ये दोबारा, ये वैन हेल्सिंग की बेटी है, वो तुम्हें मारने आ रही है। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ? क्या तुमने वो गिरा दिया? मुझे मैरी को बताना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे खुद संभालूंगा। चलो उसे सरप्राइज देते हैं, लगता है वो बहुत खुश होगी। चलो चलें, वक्त हो चुका है। फिर तो तुम यहाँ पर हो? ओह पर यहाँ पर तो खतरनाक लेजर है, मैं उसे किसी भी कीमत पर बचा लूंगी। मुझे ध्यान से जाना होगा, ये आखिरी लग रहा है। इस लेजर शो को बंद करो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं आ रही हूँ, इतनी जल्दी नहीं, मुझे जाने दो अभी। माफ करना मैरी, इसका कब से इंतजार था, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। आज मैं इंटरनल यूथ हासिल कर लूंगा। मुझे महसूस हो रहा है। पीछे हटो, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, मैं आ रही हूँ। तुम्हें खुद को बचाना होगा, भागो यहाँ से। नहीं हाँ, कितना स्लो है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे किंग हो। ये नहीं, मेरी पावर्स, मेरी बॉडी, शानदार अपग्रेड है। अरे हम दोबारा इंसान बन गए, कितना शानदार है। ओह जलन हो रही है, मुझे भूख लग रही है। हाँ डेस्क पर ब्लड का बैग रखा हुआ है। मास्क, मैं हंट के लिए क्यों ढूंढूं जब मैं खुद नए विक्टिम्स बना सकती हूँ। मैं छोटी चीजों से शुरू कर सकती हूँ, शायद पोकेमोन। जरूरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूँ। तुम्हें ट्राई करने का और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। वाह बस ये नहीं, वाह क्या अंदर कोई है? हाय लिटिल वन, तुम कैसी हो? और भी है? हाँ क्या तुम हमारे साथ शेयर करोगी? मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं, पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले बहन अपना इरादा बदल दे। लगता है कि अदला बदली हो गई है, कम से कम अब वो एक जैसे आउटफिट्स के लिए तो नहीं लड़ेंगे, शायद अभी भी बदल सकते हैं। हेलो किटी रोना बंद नहीं कर रही है, शायद बेबी खेलना चाहती है।
उसकी खेलने में भी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। शायद उसे फुटबॉल पसंद नहीं। ये एक किटी कैट है, पर कोई आम किटी नहीं। ये आमतौर पर गुस्सा नहीं रहती, वो भूखी है। पिकाचू के पास पक्का कुछ है। केचप? हाँ, ये बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद है, पर पिकाचू के जितना नहीं। किटी जल्दी खाना खाती है, ये उसे अच्छा लगता है, पर वो दूध के एक ग्लास को कभी ना नहीं बोलेगी। हमें ये ऑर्डर करना होगा। घर पर सिर्फ सोडा और केचप है। किटी कुरियर को खुद लेगी। आ गया दूध। प्लीज, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है प्लीज? पर स्नार्लिक पैसे नहीं देगा, वो तभी देगा जब उसे पैसे मिलेंगे। क्या तुम पंचेस और किक्स लेते हो? चेंज अपने पास रखो। अफसोस, कुरियर वाले कस्टमर को रेट नहीं कर सकते। जब इसे भूख लगती है तो ये बदल जाती है। डिलीवरी के लिए शुक्रिया। पिका ने किटी को स्कूल भेजने का फैसला किया। समय बीता और पोकेमोन हाई स्कूल में किटी को अच्छा लग रहा है। वो हर चीज के लिए तैयार है, या लगभग हर चीज के लिए। ठीक है, मुझे केचप दो। दरअसल किटी ने जानबूझकर केचप घर छोड़ा था। पिकाचू मॉम की तरह बर्ताव कर रही है। किटी थोड़ी लड़ाकू है और उसे केचप के चाहिए होंगे जब उसके पास कैट चिप्स है। ऐसा लगता है कैट चिप्स पर कुरोमी की नजर है। और बस नजर नहीं, अब घमासान लड़ाई होने वाली है। पर नहीं, ये लड़कियों का मिलने का पुराना तरीका है। कूल किटीज को साथ रहना पड़ता है। एब्रा अभी भी बॉल को गोल में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लगता है उसने कर दिखाया। मिसेस वीजल ने एक नया टॉपिक शुरू किया, पर लगता है उसे अभी के लिए टालना होगा। ये किसकी गलती थी? मुझे सोचना होगा ये कौन हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा, इसलिए सबको टेस्ट देना होगा। किटी चैलेंज के लिए तैयार है और अपना काम शुरू करती है। पर कुरोमी ने थोड़ा और खेलने का फैसला किया। किटी ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया। कुरोमी को अपनी साफ सफाई के लिए एक पॉइंट मिला। बहुत खूब किटी, उसका काम हो भी गया। पर हम जल्दी क्यों करें, हम थोड़ा और खेल सकते हैं। किटी जोश में है, उसने ग्रीन डॉट को लगभग पकड़ लिया था। ये अच्छा है, कुरोमी एक बार में दो टेस्ट पास कर सकती है। आबरा अब समझा काली बिल्लियों को बुरी किस्मत से क्यों जोड़ा जाता है। बेचारी किटी। जहाँ तक कुरोमी की बात है, वो अच्छा कर रही है। पीड्रिल ने उसे टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर दिए। किटी के सामने दिखावा तो करना होगा। पिंक किटी को समझ नहीं आया, क्या ऐसा हो सकता है उसकी दोस्त ने उसका सारा काम चोरी कर लिया हो। कितनी बुरी कैट है, ये पक्का उनकी दोस्ती का अंत है। आबरा अपनी क्लासमेट को दिलासा देना चाहता है, पर बी ड्रिल ने उसे एफ दे दिया, तो वो क्या करेगा? टीचर किसी को सजा देने के लिए ढूंढ रही है। आबरा किटी को उदास नहीं देखना चाहता। उसके पास एक आईडिया है। ये पोकेमोन क्या करने वाला है? मिसेस बी ड्रिल, अपनी क्लासेस के बारे में भूल जाओ। अब आप एक टीचर नहीं, अब आप एक ज़ॉम्बी भी है। किटी को नहीं पता था आबरा ये कर सकता है। किटी, मुझे अपना केचप दो। पिकाचू को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहाँ गया? आबरा ने टीचर का इंतजाम भी कर दिया, उन्हें भूख लग जाए तो। इसे पियो मिसेस बीड्रिल। किटी फिर से हंस रही है। आबरा ने उसे खुश कर दिया। बस मिसेस बीड्रिल को इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। क्या अब सबको पता चल जाएगा कि टीचर काम के समय केचप पी रही थी? सब लोग इसे जल्दी से डिलीट करो। लगता है आबरा और किटी में दोस्ती हो गई। ग्रेजुएशन का दिन। किटी, क्या तुम थोड़ी सीरियस रह सकती हो? प्रोफेसर एश सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। आबरा, तुम फिर से शुरू हो गए। कॉलेज ने तुम्हें कुछ सिखाया है और अवार्ड जाता है हेलो किटी को। पोकेमोन कॉलेज से ग्रेजुएशन पर बधाई हो। मिसेस बीड्रिल, यादगार फोटो के लिए स्माइल करो। लगता है सबके लिए एक नया जीवन शुरू होने वाला है, और अपने मनपसंद कॉलेज की अच्छी यादों के साथ शुरू करना अच्छा है। सब स्माइल करो। प्रॉम पूरे जोरों से चल रहा है। आबरा, तुम बिल्कुल समय पर हो। मिसेस बीड्रिल भी ग्रेजुएशन पार्टी में आई है, या फिर वो यहाँ बस फ्री हॉट डॉग्स के लिए आई है। बारटेंडर की तरफ से आपको अच्छा खाना और आपके हॉट डॉग के लिए केचप। मुझे रास्ता दो, टीचर बीमार है। वाह, मुझे लगता है डांस फ्लोर पर गर्मी बढ़ रही है। आबरा ने किटी के लिए ड्रिंक ऑर्डर की। हेलो किटी के लिए मीठा दूध।
ऐसा लगता है उसे स्ट्रॉ भी नहीं चाहिए। आबरा नहीं जानता था किटी इस तरह नजरअंदाज करेगी, पर वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूली। देखो वो कितने प्यारे हैं। आज के सुंदर दिन पर आबरा और किटी की शादी हो रही है। एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। दिल छूने वाला पल, यह हर किटी का सपना है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, ये सच हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, उन्हें आबरा कभी वापस नहीं मिलेगा। किटी इस ड्रेस में सच में सुंदर लग रही है। समय है ब्राइडल बुके फेंकने का। कौन है आज वो किस्मत वाला? किटी जब और बड़ी हुई उसने अपनी टेलर की दुकान खोली। वो बस ड्रेसेस नहीं स्टफ टॉयज भी बनाती है। पूरी लगन से काम कर रही है। अब बस कुरोमी को भरना बाकी रह गया है। हम इसे सिल सकते हैं। आबरा तुम्हें पता है ना किटी के पास एक जरूरी ऑर्डर है। सुई कहाँ गई? उसे अभी परेशान मत करो। अब बस आखिरी सिलाई बाकी रह गई है। बस हो गया, अब ग्राहक के लिए टॉय पैक कर सकते हैं। शुक्रिया आबरा, इसे भी भेजना है। हमारा ब्रांडेड बॉक्स बंद हो चुका है और भेजने के लिए तैयार है। डिलीवरी करना आबरा का काम है, उसके हुनर का अच्छा इस्तेमाल। एक और ऑर्डर आबरा, मिसेस बीडल को भी टॉयज पसंद है। आबरा के पास बूढ़ी टीचर को सरप्राइज करने का एक आइडिया है। उम्मीद है वो अभी भी मजाक को समझ पाएंगी, क्योंकि आबरा अभी भी मजाक करता है। ये मजेदार होने वाला है। किटी को ये पसंद नहीं कि उसका हस्बैंड फालतू के काम कर रहा है। और वही मिसेस बीडल को अपना पैकेज मिल गया है। देखते हैं अंदर क्या है। हेलो किटी, तकिया। ओह, डिब्बे के नीचे क्या है? कुछ समय पहले ही किटी खुद गोद में हुआ करती थी और अब वो खुद एक मॉम है। उसने सोचा नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। और जब आपकी बेटी आपको झटके दे कि ये शायद रैशेस की वजह से हो रहा है, तो मैं बच्ची को पाउडर लगाना चाहिए। किटी के लिए नहीं बचा। हेलो किटी ने पुरानी फोटो एल्बम देखने का फैसला किया। उसने इसे बहुत लंबे समय से नहीं खोला। देखो ये कुरोमी है, तुम्हें याद है? और ये आबरा और किटी, देखो वो कितने जवान हुआ करते थे। और फिर उनके पास एक छोटी पीचू आई। और अब ये एल्बम तुम्हारी होगी। आबरा और किटी सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। वो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं और पीचू को भागना और शरारते करना पसंद है। उसका पसंदीदा टॉय कहाँ है? पिकाचू, क्या तुम्हें पता है किटी कहाँ गई है? पॉपी, रो मत, क्या वो तुम्हारा इकलौता टॉय था? बेबी के आंसू ने चमत्कार किया। कुछ बूंद ने टॉय को असली पोकेमोन में बदल दिया। पिकाचू की नज़र उदास बच्चे पर पड़ती है। वो बेबी को खुश करना चाहती है। उसके पास एक आइडिया है। तुम इस हैट को पहनकर रोना बंद कर दोगी। पॉपी की मुस्कुराहट वापस आ गई, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं थी। यहाँ तक कि इसकी नई दोस्त उसके पुराने दोस्त की कमी को पूरा नहीं कर सकती। हेलो किटी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन पिकाचू भी बुरी नहीं है। पॉपी ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा है। तुम कहाँ जा रही हो पॉपी? पिकाचू का क्या?